हेलो एवरीवन, बिंज क्लासेस के एक और नए मैप सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम रिवर सिस्टम के बारे में इसके पढ़ेंगे। मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 5 रिवर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवर नाइल, दूसरा कॉन्गो ज़ायरी रिवर, तीसरा जाम्बेई रिवर, चौथा लिम्पोपो रिवर, पांचवा रिवर नाइगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बात करेंगे, जैसे रिवर नाइल है, फेमस इजिप्शियन सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुई, फेमस ओसवान डैम यहाँ पे है। जाहिर है, अगर कॉन्गो रिवर की बात की जाए तो ये वर्ल्ड डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है और ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। अगर जाम्बे रिवर की हम बात की जाए तो फेमस विक्टोरिया फॉल इस पे है। अगर लिम्पोपो रिवर की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट रिवर है जो इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। रिवर नाइगर की बात की जाए तो ये साउथ वेस्टर्न जो सायरा लियोने के पास ये है रिवर। तो इन सब बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम अभी देखेंगे आगे वीडियोज में। सबसे पहले हम रिवर नाइल के बारे में हम देखते हैं। रिवर नाइल को हम अरेबिक में बहर अल नील और नहर अल नील भी बोलते हैं। रिवर नाइल जो है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। अगर रिवर नाइल की अगर हम बात की जाए तो काफ़ी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो सुमेरू वाला कल्चर है, बहुत सारे जो अभिलेख मिले हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था एंशेंट इजिप्शियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। अगर रिवर नाइल की बात की जाए तो ये साउथ ऑफ इक्वेटर में इसकी ओरिजिन है। देखिए, एग्जामिनेशन में यूपीएससी स्टेट पीसीएस में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसे पूछ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन देते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिवर नाइल, फर्स्ट स्टेटमेंट कि रिवर नाइल इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। साउथ ऑफ द इक्वेटर इसकी ओरिजिन है और ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में ये फ्लो करता है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ड्रेनेज एरिया की बात की जाए तो 33,49,000 किलोमीटर इसकी ड्रेनेज एरिया है रिवर नाइल की। रिवर नाइल मेनली अगर जो ये फॉर्म होता है व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल के मिलने से, जो कि सूडानीज कैपिटल जो खार्तूम है वहाँ पे दोनों मिलती है, वहाँ से मेनली ब्लू नाइल रिवर की पति होती है एक समग्र रूप से। अगर बात की जाए तो कितने ये कंट्रीज से फ्लो करती है, तो 11 कंट्रीज से रिवर नाइल फ्लो करती है। अगर हम देखें तो तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट में फाइनल जाके ये पोर्ट सेड है, यहाँ पे जाके मेडिटेरेनियन के पास ये ट्रेन करती है। तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है 11 कंट्रीज़, बट अगर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कौन कौन कंट्रीज से रिवर नाइल पास नहीं करती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें एक रफ रफ आइडिया होना चाहिए कि मेनली नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री से फ्लो करती है। तो अगर कोई मान लो साउथ वेस्टर्न कंट्रीज दे दी जाए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज दे दी जाए, तो हम वहाँ से इलिमिनेशन मेथड की सहायता से वहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसेस आजकल इस तरह से क्वेश्चन देने लगे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिवर नाइल के बारे में देखते हैं कि रिवर नाइल की जो पहले हमने देखा कि 2 ट्रिब्यूटरी है, व्हाइट व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। और व्हाइट नाइल की ओरिजिन की हम बात करें तो मेनली ये लेक विक्टोरिया से इसकी ओरिजिन है, ये युगांडा और साउथ सूडान की ओर फ्लो करती है। और वही ब्लू नाइल की अपन बात की जाए तो लेक टाना जो कि इथोपिया में, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेक टाना कहाँ कभी कर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। और ये साउथ सूडान की ओर फ्लो करती है, बाद में जाके यही खार्तूम के पास, अगर हम देखें तो खार्तूम के पास यहाँ पे आप देखिए व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, ये खार्तूम हो गया, खार्तूम जो कि सूडान में है आपका, तो वो जाके आपका वो जाके वहाँ पे दोनों आपस में मिल जाती है और यहाँ से नाइल एकदम समग्र फॉर्म में अपनी बहती है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने देख लिए जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लें तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन से हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि द नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड एम्प्टीज इट सेल्फ इन टू मेडिटेरेनियन सी, इसमें देखिए। सेकंड है बी, द मेजर पार्ट ऑफ नाइल रन थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
अब देख लीजिए, तीसरा स्टेटमेंट है कि द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। चौथा स्टेटमेंट कि द नाइल रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन थ्रू ईस्टर्न अफ्रीका, अगर हम देख लिया जाए तो। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर बात की जाए तो नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक टू, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मेजर पार्ट ऑफ नाइल रन्स थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इजिप्शियन सब कॉन्टिनेंट इसका हो जाएगा। नाइल लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, बिल्कुल सही। नाइल रिवर फ्लो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन थ्रू ईस्टर्न अफ्रीका, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है। लेक विक्टोरिया, अगर हम देखें नाइल ओरिजिन फ्रॉम लेक विक्टोरिया एम्प्टीज इनटू मेडिटेरेनियन, सही है। नाइल इन द लॉन्गेस्ट रिवर, ये भी सही है। नाइल रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। अब देखो, नाइल लॉन्ग, अगर एक एक्सप्लेनेशन देखें तो लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड कॉल्ड फादर अफ्रीकन रिवर दिस, और ये कहाँ फ्लो करती है, तो पोर्ट साइड में ये फ्लो करती है। तो तीन स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो जायरे और कॉन्गो रिवर को हम अभी अभी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।